1,10,000 की देख रहे हो भाई। और वेट पता है कितना इसका? 7 से 8 किलो। और इनकी साइकिल देख लो एक बार, खुद ही मेंटेन कर रखी है, देख लो। 2 लाख के आसपास। नमस्ते एवरीवन, मैं नाम मोहित चौहान, मैं कर रहा हूँ 75 हार्ड साइकिलिंग चैलेंज दिल्ली टू कन्याकुमारी। आज मेरा 29वां दिन है। तो भाई रात के टाइम मुझे पेट्रोल पंप पे स्टे करना पड़ा, कहीं पे भी मुझे स्टे नहीं मिला था। 2-3 पेट्रोल पंप पे ट्राई किया और एक मंदिर में भी ट्राई किया, तो मंदिर में कुछ उनका प्रोग्राम था तो इस वजह से उन्होंने अलाउ नहीं किया। चलो कोई नहीं, खैर मुझे पेट्रोल पंप पे स्टे मिल जाता है। और एक मेरे भाई मिलते हैं, ये यहाँ से कोची से ही है, 3 दिन हो गए इन्हें स्टार्ट किए। ये जा रहे हैं कश्मीर, ये जा रहे हैं कश्मीर, कोची टू कश्मीर। तो भाई इनका 1 साल का है, मतलब ये ज़्यादा राइड नहीं करते, 40-50 किलोमीटर पर डे के हिसाब से ये ट्रैवल करते हैं, बहुत कम ट्रैवल करते हैं, मतलब कि धीरे धीरे चाल है इनकी। तो भाई पूरा 1 साल है, सही है। तो भाई से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, भाई ने यहाँ पर एक कैंप लगा रखा था। और सबसे बड़ी बात तुम्हें दिखाता हूँ, जो ये तुम साइकिल देख रहे हो ना, ये तुम्हें लग रही होगी कम से कम 15,000 से 20,000 की, पर भाई ने ये ओएल एक्सप्रेस ली है। कितने की बड़ी? 3,500, यानी भाई 3,500 रुपए की पड़ी है, देख रहे हो। और भाई साइकिल बहुत मस्त साइकिल है, मतलब कि ओएल एक्स पे बहुत सारी चीजें अच्छी मिल जा और सही प्राइस पे। तो भाई ट्राई किया करो ओएल एक्स पे, अगर तुम्हें अच्छे रेट पर कोई चीज़ मिल जाए तो ले लिया करो, क्योंकि भाई 3,500 में इतनी बढ़िया साइकिल। और सबसे बड़ी बात है कि भाई हाइब्रिड है, भाई साइकिल का वेट कितना है? 16 केजी भाई वेट है इसका, 16 किलो, बहुत सही है यार। मेरा तो कम से कम 18-20 किलो तो वेट है साइकिल में। और जो भाई टायर है, टायर की बात करें तो भाई इतने मोटे टायर है कि भाई इंसान खींचता हुआ मर जाए, भाई उसको बहुत इतने बारीक से टायर है उसके, बहुत बारीक टायर है उसके। भाई ने पानी के लिए भी अलग से स्टैंड लगवा रखे हैं भाई, पानी की बोतल के लिए 2 और एक 3, और तुम्हारे भाई के पास बस एक ही बोतल है, वो भी बीच में। दो कैरियर लगवा रखे हैं भाई ने, तैयारी के साथ चले हैं। कितने महीने की तैयारी थी? एक दो महीने की। और अरेंज करने में कितना टाइम लग गया? अभी करने के लिए 10-15 days। 10 से 15 दिन पहले मैं साइकिल करा दिया। अच्छा, बस और 2 महीने पहले साइकिल ले ली थी, और उसके बाद साइकिलिंग करके देखा, अच्छा लगा। अच्छा लगा। कितने किलोमीटर साइकिलिंग करी डेली? 100 किलोमीटर पर डे निकालते विदाउट वेट, तो मेरी आसानी है। सो विद वेट मैं सोचा 50 किलोमीटर पर डे। तुम्हारी जर्नी सफल हो। आई स्लीप नाइट फूड सी आई लाइक 9 to 3 मॉर्निंग पे ट्रेक करते, बस देख रहे हो आराम से भैया। इजी लाइफ इसे बोलते हैं, इजी लाइफ। और यहाँ देखो भाई साहब, 16 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है भाई, पागल है। देख रहे हो भाई लोग, भाई जा रहे हैं कश्मीर और मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी, और इनसे मुलाकात होगी मेरी यूपी में दोबारा, क्योंकि भाई ये आराम आराम से चल रहे हैं, तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है, तो इस वजह से इनसे मुलाकात होगी यूपी में, तो भाई का यूपी में अच्छे से स्वागत करेंगे। साइकिल बहुत ज़्यादा हार्ड चल रही है, जो डिस्टेंस में 3-3.5 घंटे में कवर करता था ना, वो आज 6 से 7 घंटे में हो रही है। तो देख सकते हो भाई बहुत ज़्यादा टाइट चल रही है, और एक तो ब्रेक चिपक रहे हैं बार बार। आज साइकिल बहुत ज़्यादा टाइट चल रही है यार, आज तो बता नहीं सकता भाई, शरीर तो जवाब दे गया पर भाई दिमाग कह रहा है कि भाई चल चल, क्योंकि भाई अपनी मंजिल पर पहुँचना है। अभी भी यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर है कोची, आज 100 किलोमीटर प्लस साइकिलिंग करनी है, तो 100 प्लस तो हो गया है, अभी 20-25 किलोमीटर और बाकी है।
भाई साइकिल में आज वाकई में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, टाइट चल रही है बहुत ज़्यादा टाइट चल रही है। कोई नहीं, फिर भी करेंगे। अब भाई मिले हैं, भाई के साथ जा रहे हैं शॉप पे ठीक करवाने के लिए, क्योंकि भाई बहुत दिक्कत हो रही है साइकिलिंग करने में। तो भाई लोग देख रहे हो भाई, साइकिल ही साइकिल खुली पड़ी है इधर तो, हाइब्रिड ये देख रहे हो भाई कितने की। भाई इसमें वेट होगा तकरीबन 7 किलो के आसपास, और कितनी 1,10,000 की देख रहे हो भाई। और वेट पता है कितना इसका, 7 से 8 किलो। बताओ यार, क्योंकि भाई सीढ़ी इतनी ज़्यादा चल चुकी है ना भाई, उसका एक एक पार्ट अब ख़राब होने लग गया। तो ये इसका ये सिस्टम है जो चैन का, ये पूरा ख़राब हो गया। अब बोल रहे हैं कि पुराना इनके पास रखा होगा तो बोल रहे हैं कि चेंज करके दे देंगे, मैं चलो ठीक है। भाई आज इतनी ज़्यादा टाइट चल रही थी ना कि भाई तुम्हें क्या बताऊँ, 7 से 8 घंटे लग गए जिस डिस्टेंस को भाई मैं 3-3.5 घंटे में कवर करता हूँ ना उसे। और सबसे बड़ी बात, दुगनी मेहनत करनी पड़ रही थी आज, हद हो गया आज तो भाई, बहुत ज़्यादा हद का है जी सर। अब साइकिल ने भाई परेशान कर दिया, मैं कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। पता नहीं कब ठीक हो गई है, और आज 90+ तो हो गया है, अब थोड़ा आगे भी कर चलना है क्योंकि भाई कोची यहाँ से थोड़ा दूर है, तो कोची पहुँचना है। थोड़ा सा लेट पहुँचूँगा क्योंकि भाई अभी साइकिल ठीक नहीं हुई है, साइकिल ठीक होगी तब यहाँ से निकला जाएगा। अब तो भाई सच्ची बताऊँ ना, दिक्कतें बहुत ज़्यादा आने लगी है। पता है टायर ऐसे जाम हो के चल रहा था, फिर भी मैं कंटिन्यू साइकिलिंग कर रहा था क्योंकि भाई अपनी मंजिल के पास जाना है तो भाई करना पड़ेगा, रिस्क भी लेना पड़ेगा और भाई मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी, दुगनी मेहनत हो रही थी आज, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो भाई लोग, जो हमारे सर है भाई 20 साल हो गया साइकिलिंग करते हुए, और इनकी साइकिल देख लो एक बार, खुद ही मेंटेन कर रखी है देख लो, ये देख रहे हो। ये कितने की पड़ी, 2 लाख के आसपास। कौन सा मॉडल है, तो ये दो के आसपास की होगी, 2 लाख। देख रहे हो भाई, और तुम लोग सोचते हो कि 10,000 से ऊपर की साइकिल नहीं आती। तो भाई लोग साइकिल तो अच्छे से ठीक हो गई है, मस्त चल रही है, पर भाई लेट हो गया बहुत ज्यादा, आज बहुत ज्यादा लेट हो गया। कम से कम अभी 20 से 25 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, तो आज बहुत गंदा सीन हो गया। वैसे तो 100 किलोमीटर प्लस राइड होगी अपनी, पर अभी 20-25 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा क्योंकि भाई कोची यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है, तो भाई क्या करें, चलना पड़ेगा। कभी कभी यार तुम्हारा भाई बहुत गंदा फंस जा, आज वही टाइम है। साइकिल में एक तो लाइट नहीं है, डाउन हो रखी है। बस इधर का इलाका तो बेस्ट है, पर भाई गाड़ी वालों से बच के रहना पड़ेगा। कभी कभी तो भाई तुम्हारा भाई बहुत गंदा फंस जा, आज भी ऐसा ही हुआ भाई, क्या ही बताऊं तुम्हें यार, पूरा शरीर ऐसे टूट गया था ना 6-7 घंटे साइकिलिंग करके। और भाई कितना हुआ था, 70 किलोमीटर, फिर उसके बाद 30, बहुत बुरी हालत हो गई थी। इधर आते ही सार तो भाई डोसा भी चेंज हो गया, ये डोसा है। सब कुछ खाना पीना चेंज हो गया इधर आते आते, अभी तो तमिलनाडु में देखते हैं भाई क्या होगा। इधर तो भाई खाने पीने की पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा है तुम्हारा भाई, बहुत भटकना पड़ता है खाने के लिए भी, बताओ इधर आके बहुत बुरा हाल है। पेट्रोल पंप पे आया था यहाँ पे, तो कैंप लगाने की परमिशन ना मिली, तो अब आगे जाना पड़ेगा। और भाई टाइम आज बहुत ज़्यादा हो गया, 11 बज गए, और भाई 11 बज गए तो अभी तक तो कहीं पे स्टे नहीं मिला, तो आगे जाके देखता हूँ कहीं पे स्टे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो
आज पता नहीं कहाँ रात हो गई आज। तो भाई लोग फाइनली तुम्हारे भाई को स्टे मिल गया है पेट्रोल पंप पे। तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ी, यहाँ पे स्टे मिल गया। खैर आज तुम्हारे भाई ने 134 किलोमीटर साइकिलिंग की है, तो भाई टोटल हो गया 3066 किलोमीटर। और भाई लोग कन्याकुमारी अब बहुत पास हो गया है, तो जितना हो सके अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।